What's up guys, this is Abhishek and welcome back to my channel with another video. So, जैसे कि last video में मैं आप लोगों के साथ share किया था कि मेरा जो next video आएगा उसमें मैं मेरे bike का जो modification का जो details है उसी को लेकर मैं ये video बनाऊंगा. So, ये video उसी के ऊपर है. इस video में मैं एक standard price के अंदर कैसे मैं अपने bike को modify किया हूँ और उसका मेरा कितना price आया हर एक चीज़ का उसी को लेकर ये video है. So, video को skip मत कीजिए, video के end तक ज़रूर देखिए. एंड चलिए बिना टाइम वेस्ट करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो हियर इज माय आरएस 200. ये 2018 का मॉडल है. सो सबसे पहले हम लोग जाएंगे इसके स्टिकर्स के ऊपर. सो ये डिकेलिंग का स्टिकर्स मैंने ऑर्डर किया था शॉप क्लूज से. सो इसका प्राइस मेरा पड़ा था 2999, डिलीवरी चार्जेस मिला के 3078 एंड आफ्टर मतलब कि पूरा कंप्लीट होने के बाद जहाँ से लगाया था. सो ये कंप्लीट होने के बाद सर्विस चार्जेस वो लोग लिया 700, तो टोटल मेरा आ गया 3800 सिर्फ ये डिकेलिंग करने के लिए, स्टिकर्स के लिए. ठीक है, इट्स क्वाइट चीप. एंड सो नेक्स्ट हम लोग आएंगे इसके ये जो डीवी वाइजर है इसके ऊपर. ये आप ऑनलाइन में भी आप लोगों को मिल जाएगा एंड दुकान में भी जाके आप लोग खरीद सकते. तो इसका कॉस्टिंग मतलब कि डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर, 400-500 या 600 1000-1200 में भी मिल जाएगा. सो मेरा ये कॉस्टिंग में जहाँ से ये लगाया था मतलब कि जहाँ से मैं डिकेलिंग करवाया था तो वहाँ से ही ये डीवी वाइजर मैं ख़रीदा था. मेरा इसका प्राइस पड़ा 600 ये डीवी वाइजर का. सो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे ये फ्रेम स्लाइडर के ऊपर का जो वीडियो है. सो ये स्लाइडर में ऑर्डर किया था अमेजोन से. तो इसका प्राइस पड़ा 2780. ये जो है ये स्लाइडर, दिस इज़ द स्लाइडर एंड दिस इज़ द माउंटिंग प्लेट. ये माउंटिंग प्लेट के ऊपर ये पोर्शन पूरा खोलना पड़ा था. ये पोर्शन पूरा खोलने के बाद ये वाला अटकाया यहाँ से. सो दिस साइड एंड इस तो इसका मेरा कॉस्टिंग आया टोटल 2780 एंड इसका लगाने के बाद इसका प्राइस मतलब ये लगाने के लिए खर्चा पड़ा 300. सो टोटल मेरा पड़ा 3100 ऑलमोस्ट. सो नेक्स्ट हम लोग आएंगे ये सैडल स्टे के ऊपर सकते हैं. सो मेरा ये सैडल स्टे का प्राइस पड़ा 3500. सो एंड नेक्स्ट हम लोग आएंगे जब जो मेन थिंग है एक्चुअली जो मेरा बाइक का साउंड चेंज कर दिया, दिस इज़ द एग्जॉस्ट. इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला था पर मैं लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ कि इस जो एग्जॉस्ट का जो वीडियो था वो मेरे कैमरा से डिलीट हो चुका है. तो इसलिए मैं फिर से इसका थोड़ा डिटेल्स में दे देता हूँ. एग्जॉस्ट आप ऑनलाइन से भी खरीद सकते हैं एंड दुकान से भी डायरेक्ट जाके खरीद सकते हैं. तो मैं डायरेक्ट दुकान से ख़रीदा. इसका मेरा प्राइस पड़ा एग्जॉस्ट का टोटल सेटअप 10800. ठीक है, नीचे ये है, दिस इज़ द बेन पाइप. नीचे का जो आपका एग्जॉस्ट का जो फिल्टर है और इसका जो रियल फिल्टर है वो खुल जाएगा, वो निकल जाएगा. वो निकल जाने के बाद दिस इज़ द बेन पाइप. ये टोटल आपका टू डिवाइडेशन में आएगा. दिस इज़ नॉट द टोटल, लाइक यहाँ से पूरा आके कनेक्ट होके यहाँ से आके आपका यहाँ तक आपका पूरा ये कनेक्ट होगा. सो टोटल मेरा इसका कॉस्टिंग आया 10800. 2800 आया आपका प्राइस ये बेंड पाइप का एंड बाकी का ये टोटल सेटिंग वेटिंग करवाने के बाद मेरा आया टोटल 10800. थोड़ा देर बाद मैं इसका साउंड भी आप लोगों को सुनाऊंगा कि आफ्टर चेंजिंग द एग्जॉस्ट साउंड कैसा आ रहा है. सो नेक्स्ट हम लोग आएंगे ये लीवर के ऊपर. इस लीवर का मेरा कॉस्ट पड़ा 1300. सो दिस इज़ द फोल्डिंग लीवर कि बाइक अगर कहीं पे भी आपके गलती से हो या किसी की गलती से अगर बाइक गिर जाता है तो ये थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करता है कि लीवर जैसे गिरने से बाइक का जो लीवर जो है वो टूट सकता है या बेंड हो सकता है. पर इसके वजह से क्या होता है कि ये जो है ये डायरेक्ट ऐसे फोल्ड हो जाएगा लाइक दिस. सो एंड आप ये यहाँ से आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इसका सेटिंग जो है. जैसे मैं इसका राइट साइड में जो है लेफ्ट साइड से मैं
ये जो थोड़ा बहुत बड़ा करवाया हूँ क्लच का, आप लोग देख सकते हैं। सो इसका प्राइस आया 1300। सो दिस इज़ द टोटल मॉडिफिकेशन वीडियो ऑफ माई बाइक। बस मैं यही सारा कुछ चीज़ 4 से 5 चीज़ में मॉडिफाई किया हूँ अपने बाइक के अंदर। सो आप लोग भी जो भी RS यूज़र है या RS NS या कोई भी बाइक यूज़र है, सो आप लोग थोड़ा बहुत ये मॉडिफाई ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों का बजट के अंदर भी आ जाएगा। जैसे मेरा जो आया है, मेरा बजट बहुत ज़्यादा नहीं था, कम ही बजट था। सो उस बजट के अंदर मेरा थोड़ा बहुत रिसर्च किया कि ऐसे ऐसे मॉडिफाई करना है, तो इस हिसाब से कर लिया। थोड़ा साउंड सुना देते हैं आप लोगों को। जब सुनिए एग्जॉस्ट का साउंड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अच्छा लगा कि बुरा लगा। तो ज़्यादा साउंड नहीं कर रहा है आदमी लोग। दिस इज़ द मॉडिफिकेशन वीडियो ऑफ माई बाइक। सो इस वीडियो से आप लोगों को अगर कुछ भी अगर आइडिया मिला हो या कुछ भी अगर फ़ायदा हुआ हो, सो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, फ्रेंड लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना फेसबुक पेज का लिंक एंड मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैं दे दिया हूँ। सो वहाँ पर जाके प्लीज़ मुझे फॉलो कर दीजिए। आई होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो। सो इफ़ यू गाइज एंजॉय द वीडियो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे सेफ। Love you all.